नमस्कार बच्चों, नव भारती परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ाया था। आज हम किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई को हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई आर, फर्स्ट, फंजाई आर नॉट प्लांट। फंजाई जो है वो प्लांट्स की तरह नहीं होता है, वो प्लांट नहीं होता है। प्लांट नहीं होता है इसीलिए ये नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। नॉन फोटोसिंथेटिक का मतलब ये अपना खाना खुद बनाता है पर लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में अपना खाना नहीं बनाता। यूकैरियोट्स होते हैं, यानी कि इनके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। इनके सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो भी ज़्यादा दिनों तक की होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, इट मीन्स ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। उसके बाद मोस्ट आर सेप्रोब्स, लिव ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सेप्रोब्स वो होते हैं जो कि मरे हुए ऑर्गेनिज्म के ऊपर ज़िंदा रहते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे, ये एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ्स, यानी कि पहले ये अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद इसकी बॉडीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं। फर्स्ट दे डाइजेस्ट देयर फूड, देन दे एब्जॉर्ब देयर फूड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं और इनके होस्ट को भी ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। यहाँ जो आप इसका फ़ोटो देख पा रहे हो ये है ब्रेड मोल्ड का, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टोर फूड एनर्जी एस ग्लाइको, ग्लाइको की तरह ये अपने फूड एनर्जी को स्टोर करता है। नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई में देखें तो ये डिकम्पोजर्स की तरह और रिसाइक्लर ऑफ न्यूट्रिएंट्स की तरह एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं। डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो अपने कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे सेप्रोफाइट्स होते हैं, ऐसे ये डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि डिकम्पोज करते हैं अपने खाने को। और रिसाइक्लर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं एनवायरनमेंट में। उसके बाद मोस्ट आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ईस्ट, ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं। जो यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे हो ये जो है ये मल्टी सेलुलर ईस्ट का है। ये मल्टी सेलुलर ईस्ट जो होती है वो इसके मल्टी सेलुलर का एग्जांपल है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये मल्टी सेलुलर मशरूम है और ये जो है ये यूनिसेलुलर ईस्ट हैं, ये एक्सेप्शन है। ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं बट यूनिसेलुलर ईस्ट जो है वो इसका एक्सेप्शन है। नेक्स्ट अगर हम आगे जाएं तो लैक ट्रू रूट्स, इनके अंदर ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, ना ही स्टेम और ना ही लीव्स। यहाँ जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये वाला, इस स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कहीं लीव दिख रही है, नहीं है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये स्टेम्स का रियल दिख रहा है, नहीं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये रूट जैसा दिख रहा है, नहीं। इसीलिए ना ही तो इनके अंदर ट्रू रूट होती है, ना ही ट्रू स्टेम होता है, ना ही ट्रू लीव्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात करें आगे तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। जैसे कि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, वहीं फंजाई की जो है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी जो बॉडी है उसे हम थैलस बोलते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हो ये थैलस है, ठीक है, स्वेलन पार्ट होता है ये। ग्रो एज माइक्रोस्कोपिक ट्यूब, माइक्रोस्कोपिक ट्यूब जो कि दिखता नहीं है, इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफी, इनके अंदर फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम हाइफी बोलते हैं। इस तरीके से ये ग्रो करते हैं। यहाँ जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ये वाला,
ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो दिख रहे हैं आपको थ्रेड्स, वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये हाइफी हैं। हाइफी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये भी जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये पूरा, ये हाइफी के स्ट्रक्चर है। ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, बाकी ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं, नेक्ड आइज से दिखते नहीं हैं। ये हाइफी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो कुछ फंजाई जो होते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से के पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि ये इंटरनली और एक्सटर्नली होस्ट सेल के अंदर अपना खाना जो है सिंथेसिस करते हैं। फ्यू फंजाई एक्ट लाइक प्रेडेटर्स, तो कुछ फंजाई जो हैं वो शिकारियों की तरह काम करती हैं, यानी कि अपना खाना जो है शिकार करके बनाती हैं, और कुछ अपने प्रे को राउंड वर्म की तरह कैप्चर करती हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ जो है प्रेडेशियस फंजाई जो होती हैं, फीडिंग ऑन ए नेमाटोड, राउंड वर्म के ऊपर जो है प्रेडेशियस फंजाई जो है अपना खाना सिंथेसिस करती हैं, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट इनके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे बात करें तो कुछ जो फंजाई होती हैं वो एडिबल होती हैं और कुछ जो है पॉइजनस होती हैं। तो ये जो होती हैं ये एडिबल होती हैं और ये वाली जो होती हैं ये सारी की सारी पॉइजनस होती हैं, ठीक है। तो हर मशरूम जो होती है वो खाने वाली नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करती हैं। स्पोर्स जो हैं यहाँ पे आप देख रहे हो, स्पोर्स के कई सारे शेप्स देखने को आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये देखो ये कोनिडिया हैं इनके, ये जो इधर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कोनिडिया है, ये स्टेरिगमाटा है, ठीक है, मेट्यूला हैं, वेसिकल्स हैं इनके अंदर, और कोनिडियो फोर हैं, ठीक है। कोनिडिया देखो ये यहाँ पे क्लियर दिखाया है कोनिडिया कैसा होता है, ठीक है। इनके अंदर जू स्पोर्स भी होते हैं, जू स्पोरेंजियम के अंदर जू स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्लासिफाइड बाय देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे अगर इन्हें क्लासिफाई करें आगे तो देखो ये वार्म मॉइस्ट एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है। माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंजाई, फंजाई की जो स्टडी होती है उसे माइकोलॉजी बोलते हैं, और जो इसे जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करता है उसे माइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। फंजीसाइड्स वो केमिकल होता है जो कि फंजाई को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये ग्रीन गार्ड आप यहाँ पर देख रहे हो, ये फंजीसाइड है जो कि लीफ फंगस को किल करने में मदद करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फंजाई इंक्लूड्स पफ बॉल्स, ईस्ट, मशरूम, टोडस्टूल्स, रस्ट, स्मट्स, रिंगवॉर्म एंड मोल्स, इस तरीके ये जो हैं ये इनके नाम है फंजाई के अंदर। ये पफ बॉल्स आती हैं, ईस्ट आती हैं, मशरूम्स आती हैं, टोडस्टूल्स आते हैं, रस्ट आते हैं, स्मट्स आते हैं, रिंगवॉर्म आते हैं, मोल्स आते हैं। पफ बॉल इस तरीके की दिखती हैं और पैरासीलियम मोल्स जो है वो इस तरीके से दिखता है। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज मेड बाई पेनिसिलियम मोल्ड, एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है उसको किससे बनाया जाता है, पेनिसिलियम मोल्ड से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इसके नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हैं उसके अंदर सबसे पहले हम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। हाइफी मैंने आपको वहाँ पर जब स्ट्रक्चर दिखाया था, वाइट हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम हाइफी बोलते हैं, जो कि मूवमेंट में मदद करता है। ट्यूबुलर शेप होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसका। वन कंटिन्यूस सेल होती है, फिल्ड विद साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं इसके सेल के अंदर। मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि वन सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है इसमें, मोर देन वन न्यूक्लियस इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट
सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। हार्ट सेल वॉल ऑफ काइटिन, काइटिन की इसकी सेल वॉल बनी हुई होती है, ठीक है। और इंसेक्ट्स के अंदर भी एक्सोस्केलेटन्स प्रेजेंट होते हैं। हाइफी, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे ये हाइफी हैं, ठीक है, ये जो पार्ट है ये हाइफी का ही पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये हाइफी के पार्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टोलोंस, हॉरिजेंटल हाइफी दैट कनेक्ट्स ग्रुप ऑफ हाइफी टू ईच अदर, यानी कि ये जो पार्ट है हॉरिजेंटल हाइफी, ये जो है ये स्टोलन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो स्टोलन होता है वो जो ग्रुप ऑफ हाइफी होते हैं उनको कनेक्ट करके रखता है, तो ये जो है ये स्टोलन पार्ट है और यहाँ पे ग्रुप ऑफ हाइफी हैं जो कि इससे कनेक्टेड हैं। राइजोट्स होते हैं, रूट लाइक पार्ट ऑफ हाइफी दैट एंकर दी फंगस, ये जो पार्ट है ये राइजोट्स का होता है, ठीक है, ये राइजोट्स होते हैं। आगे अगर हम बात करें, ये देखो ये नीचे का जो पार्ट है ये माइसीलियम है, इसके अंदर स्पोर्स हैं, ये हाइफी पार्ट है, ये लाइक प्रोजेक्शन जिसमें है, और ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसमें अगर हम देखें क्रॉस वॉल कॉल सेप्टा मे फॉर्म कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट को बना लेती है सेप्टा जो होती है। सेप्टा हैव पोर्स फॉर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, सेप्टा के अंदर पोर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के मूवमेंट में मदद करता है। फॉर्म नेटवर्क कॉल्ड माइसीलिया दैट रन थ्रू द थैलस, ये देखो माइसीलिया होता है जो कि थैलस जो इसका बॉडी है उसको पूरे को रन कराता है, एक एक नेटवर्क की तरह काम करता है, ये देखो पूरा ये नेटवर्क, ये पूरा नेटवर्क की तरह काम कर रहा है। एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ, जो हीटरोट्रॉफ एब्जॉर्प्टिव कौन से होते हैं, मैंने बताया था ना जो सबसे पहले अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस डायरेक्ट्स द डाइजेस्टिव प्रोसेस, यहाँ पे खाना पहले डाइजेस्ट होता है, आप उसके बाद जो है उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब किया जाता है। फंजाई गेट कार्बन फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज, ऑर्गेनिक सोर्सेज से वो अपना कार्बन लेती है, ठीक है। टिप्स ऑफ हाइफी रिलीज एंजाइम, जो उसके हाइफी की जो टिप्स होती हैं वो एक एंजाइम को रिलीज करती हैं, ठीक है। ये है हाइफी, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये है हाइफी, ठीक है। इसकी टिप्स क्या रिलीज कर रही हैं, ये एंजाइम को रिलीज कर रही हैं, ठीक है। एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन किया जाता है, ठीक है। ये रहा एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन हो गया इसका, इसको पहले यहाँ पर डाइजेस्ट किया जाएगा उसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। प्रोडक्ट डिफ्यूज बैक इनटू हाइफी, और ये जो प्रोडक्ट है ये अंदर डिफ्यूज हो जाता है, किसके अंदर, हाइफी के अंदर, ये रहा ऐसे, ठीक है। डाइजेस्टेड मटेरियल इज देन यूज्ड बाय हाइफी, और ये जो डाइजेस्टेड मटेरियल है ये इस हाइफी के द्वारा यूज़ किया जाता है। मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफी, हाइफी का मॉडिफिकेशन कैसे हो सकता है, यहाँ पे देखो हर एक जो इसका न्यूक्लियस है वो फर्दर आगे एक कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया है। फंगाई मे बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सेल डिवीजन विद और विदाउट साइटोकाइनेसिस, विदाउट साइटोकाइनेसिस और विद साइटोकाइनेसिस के बेस पे इसके अंदर सेल डिवीजन भी देखा जाता है, उसके बेसिस पे भी इनको क्लासिफाई किया गया है। एसेप्टेट और सीनोसाइटिक, यानी सीनोसाइटिक वो होते हैं जो कि विदाउट सेप्टेट होते हैं, एसेप्टेट का भी मतलब विदाउट सेप्टा, सेप्टेट विद सेप्टा, ये सेप्टेट भी होते हैं एसेप्टेट भी होते हैं, विद सेप्टा ये सेप्टेट होते हैं और विदाउट सेप्टा ये एसेप्टेट होते हैं। नो क्रॉस वॉल्स, इनके अंदर किसी भी तरह की कोई क्रॉस वॉल्स नहीं है और इनके अंदर क्रॉस वॉल्स हैं, देखो इस तरीके से। आगे अगर हम देखें तो ये है सेल वॉल, यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये पोर हैं इसमें, ठीक है, ये सेप्टा है, सेप्टम है, इससे सेप्टेट हाइफी है,
सीनोसाइटिक यानी एसेप्टेट हाइफी के अंदर किसी भी तरीके कोई सेप्टेट नहीं है, कोई क्रॉस वॉल नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियस खाली न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। ये फंगल हाइफी हैं, प्लांट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल है, स्टोरियम होस्टेरियम है, ठीक है, और होस्टेरिया भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये रहा देखो किस तरीके से हाइफी जो है वो प्रेडेटर को किल कर रहा है इसमें, ये देखो, ठीक है, नेमाटोड है ये। हिस्टेरिया पैरासिटिक हाइफी ऑन प्लांट एंड एनिमल, हिस्टेरिया जो होता है वो पैरासिटिक हाइफी होता है प्लांट या एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। हाइफल ग्रोथ जो होती है, हाइफी ग्रो फ्रॉम देयर टिप्स, माइसिलियम इज़ एन एक्सटेंसिव फीडिंग वॉब ऑफ हाइफी, ठीक है। माइसिलियम जो होता है वो एक्सटेंसिव फीडिंग वेब ऑफ हाइफी होता है। माइसीलिया आर दी इकोलॉजिकली एक्टिव, माइसीलिया जो होता है वो इकोलॉजिकली एक्टिव बॉडीज ऑफ फंजाई होता है। दिस वॉल इज रिजिड, ये हाइफी है। ओनली द टिप वॉल इज प्लास्टिक एंड स्ट्रेचेज, मतलब कि जो इसकी जो टिप वॉल होती है वही स्ट्रेच हो पाती है, बाकी की पूरी बॉडी जो है वो रिजिड होती है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करें तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर्स आएंगे। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मोस्ट फंजाई रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली सेक्सुअली बाई स्पोर्स की मदद से, दोनों तरीके से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन इज मोस्ट कॉमन मेथड एंड प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन मेथड होता है जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं व्हेन कंडीशंस आर पुअर एंड न्यूट्रिएंट्स स्कार्स, मतलब जब न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाए और कंडीशन पुअर हो जाए तो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। स्पोर्स, स्पोर्स ऑन एडप्टेशन टू लाइफ ऑन लैंड, स्पोर्स जो है लैंड पर जो लाइफ होती है उसका एक एडप्शन होता है, मतलब कि अडप्ट की हुई लिविंग थिंग बोल सकते हैं स्पोर्स को, ठीक है। एंश्योर दैट द स्पीसीज विल डिस्पर्स टू न्यू लोकेशन, ये इंश्योर करती है जो स्पीसीज है वो एक नई जगह पर डिस्पर्स कर सकें। ई स्पोर कंटेन अ रिप्रोडक्टिव सेल, हर एक जो स्पोर होता है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव सेल होती है जो कि एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने में मदद करती है। ये नॉन मोटाइल होती है, स्पोर्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, इन्हें होस्ट बॉडी की ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए। ये जैसे कि होस्ट हुआ विंड, डिस्पर्स्ड बाय विंड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यूज्ड व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशंस आर पुअर, जैसे कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, स्पेस या मॉइस्चर की कमी, इन तीनों की कमी की जब ये तीनों की कमी आ जाती है ऐसी कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नो मेल और फीमेल फंजाई, ठीक है। सम फंजाई शो डाइमॉर्फिज्म, ये रे डाइमॉर्फिक फंजाई, ठीक है। मे ग्रो एज माइसीलिया और ईस्ट, दोनों की तरीके से ग्रो कर सकते हैं, माइसीलिया की तरह से भी और ईस्ट, लाइक स्टेट फिलामेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड राउंड एट 37 डिग्री सेल्सियस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो हैप्लोइड फर्स्ट एन हाइफी फ्रॉम टू मेटिंग टाइप्स, ठीक है, फ्यूज फर्टिलाइजेशन होता है, प्लस एंड माइनस मेटिंग टाइप्स होती हैं इनके अंदर, ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ, मेट कर गए, फॉर्म ए हाइफी विद टू न्यूक्लियाई दैट बिकम्स अ जायगोट, और ये प्लस और माइनस फ्यूज होके क्या एक किसका न्यूक्लियाई का फॉर्म ए हाइफी, एक हाइफी का फॉर्म करते हैं दो न्यूक्लियस के साथ जो कि एक जायगोट का फॉर्मेशन कर लेता है। द जायगोट डिवाइड्स टू मेक अ स्पोर, और स्पोर बना देते हैं, प्लस माइनस मिलके क्या बनाया ये
स्पोर फॉर्म हो गए यहाँ पे, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो थ्री टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला फ्रेगमेंटेशन, डिवाइड कर देते हैं, जो पार्ट ऑफ माइसीलियम बिकम सेपरेटेड एंड बिगिन एज अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। माइसीलियम जो पार्ट्स होता है वो सेपरेट हो जाती है और एक नई लाइफ की तरह ग्रो करने लग जाती है, बडिंग, ठीक है। एक स्मॉल सेल जो है वो फॉर्म हो जाती हैं और बाद में जब फुली मैच्योर हो जाते हैं तो वो डिटैच होकर एक न्यू बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यूज्ड बाय ईस्ट, ईस्ट की तरह यूज़ किया जाता है। ए सेक्सुअल स्पोर्स, प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स बाय सिंगल माइसीलियम, प्रोडक्शन जो स्पोर्स का जो प्रोडक्शन है वो एक सिंगल माइसीलियम की तरह यूज़ में होता है। यहाँ ये देखो आप, रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, स्पोर्स की तरह कैसे कैसे, स्पोर्स में बी फॉर्म्ड डायरेक्टली ऑन हाइफी, हाइफी पर डायरेक्टली हो जाते हैं, ठीक है। इनसाइड स्पोरेंजिया, इनसाइड स्पोरेंजिया होते हैं, ये इनसाइड स्पोरेंजिया हैं, देखो पहले जो थी ये डायरेक्टली ऑन हाइफी थी, ये स्पोरेंजिया के अंदर है। पिलोबोलस, ठीक है, ऑन फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, ये देखो ये रे फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ऊपर जो हैं स्पोर्स हैं वाइट वाइट कलर के, ये जो दिख रहे हैं ये स्पोर्स हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रूटिंग बॉडी आर मॉडिफाइड हाइफी दैट मेक ए सेक्सुअल, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो हाइफी में कन्वर्ट होकर ए सेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेती है। अपराइट स्टॉक कॉल दी स्पोरेंजियोस्पोर, जहाँ पर स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जिन्हें स्पोरेंजियम भी बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी के टाइप्स कौन कौन से हैं, बेसिडिया, ठीक है, उसके बाद में स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया, ठीक है, और एस्कस, ये रहा एस्कस, ठीक है, इस पर स्पोर्स ये रहे, बेसिडिया के स्पोर्स ये रहे और स्पोरेंजिया के ये रहे। फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी की अगर बात करें बोथ आर कंपोज बाई हाइफी, ठीक है, हाइफल ग्रोथ फ्रॉम स्पोर, ये एक स्पोर है, जर्मिनेटिंग स्पोर है, और फिर ये कि ये हाइफी का ये माइसीलियम है, और माइसीलिया हैव ए ह्यूज सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया एट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा फूड भी आएगा और डाइजेशन भी उतना ज़्यादा होगा। एवोल्यूशन ऑफ फंजाई, अगर एवोल्यूशन, क्लेडोग्राम, ये देखो ये रहा क्लेडोग्राम, पहले बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया आए, उसके बाद प्रोटिस्ट आए, उसके बाद प्लांट देखने को मिल रहे हैं यूकैरियोट्स के अंदर, फिर फंजाई आ गए यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में तो भाई बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया यही है, प्रोटिस्ट, प्लांट्स, फंजाई, एनिमल, ये सब तो किसके अंदर हैं, यूकैरियोट्स के अंदर हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड अ मशरूम फंगस, वाई, क्यों, रीसेंट डीएनए बेस्ड स्टडी शो दैट फंजाई आर मोर सिमिलर टू एनिमल्स, ठीक है, ये एनिमल्स के जैसे, देन टू प्लांट्स, प्लांट्स के कंपैरिजन में ये एनिमल जैसा ज़्यादा रिजेंबलेंस देता है, इसके अंदर सिमिलैरिटी एनिमल्स जैसी होती हैं, इसके डीएनए की स्टडी के बेसिस पे ये पता किया गया है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ फंजाई की अगर बात करें तो ये चार्ट है इसके एवोल्यूशन का, ठीक है, ये है डिप्लोमोनाडिडा, पैराबेसला, यूग्लेनोजोआ, एलिवोआटा, स्टेमनोफिलिया, रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा, फेंटाई, मैक्टोजोआ, फंजाई, और फिर उसके बाद एनिमिलिया, ये रही फंजाई, ठीक है, एवोल्यूशन हुआ इस तरीके से फंजाई का। इट्स ऑल अबाउट द स्पोर्स, फंजाई आर क्लासिफाइड बाई देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड स्पोर्स, द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर बेसिडिया, बेसिडोमाइकोटा, स्पोरेंजिया, जाइकोस्पोरेंजिया, एस्कस, एस्कोमाइकोटा। स्पोर्स आर मेड अप ऑफ डिहाइड्रेटेड साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो जिस साइटोप्लाज्म में से वाटर की कमी आ जाए उस साइटोप्लाज्म से ये स्पोर्स बनते हैं, प्रोटेक्टिव कोट,
ठीक है, हैप्लॉयड सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इनमें हैप्लॉयड होते हैं ना, हाफ नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। विंड एनिमल्स, वाटर एंड इंसेक्ट स्प्रेड स्पोर्स, ये ऑल दीज आर एजेंट्स ऑफ स्प्रेडिंग स्पोर्स। स्पोर्स जर्मिनेट व्हेन दे लैंड ऑन अ मॉइस्ट सरफेस, ठीक है, मॉइस्ट सरफेस होगी तो स्पोर्स जो हैं जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनी, लॉस ऑफ फ्लैजेला, ठीक है, ये हैं कैटराडाइज, जाइगोट फंजाई, फिर सैक फंजाई, क्लब फंजाई, ठीक है। बेसिडोमाइकोटा जो होती है वो क्लब फंजाई में आती हैं, एस्कोमाइकोटा सैक फंजाई में आती हैं, जाइगोमाइकोटा जाइगोट फंजाई में आती हैं, और कैट्राइडोमाइकोटा जो है कैट्राइड्स में आती हैं। मोटाइल स्पोर्स, ये इनके अंदर मोटाइल स्पोर्स होते हैं, जाइगोस्पोरेंजिया होते हैं इनके अंदर, एस्की प्रेजेंट होता है और बेसिडिया प्रेजेंट होता है, के स्पोर्ट्स के नाम है, मेजर ग्रुप ऑफ फंजाई। विद इन द पास्ट फ्यू ईयर्स सेवरल ग्रुप हैव बीन रिक्लासीफाइड इनटू प्रोटिस्ट्स, ठीक है। टू ऑफ दीज ग्रुप्स आर दी स्लाइम मोल्स एंड वाटर मोल्स, स्लाइम मोल्स और वाटर मोल्स हैं जो कि रिक्लासीफाइड इनटू प्रोटिस्ट, उनको दोबारा क्लासीफाई किया है प्रोटिस्ट की तरह, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेसिस पे सेप्रोब्स क्या हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, मोल्स मशरूम ईटीसी, ठीक है। पैरासाइट्स, हार्म होस्ट, रस्ट एंड स्मट्स अटैक प्लांट्स, ठीक है। म्यूचुअलिस्ट जो कि दोनों को बेनिफिट्स होता है, बोथ बेनिफिट, लाइकेन जो है, लाइकेन्स क्या होते हैं, फंजाई, फंजाई प्लस एल्गी को क्या बोलते हैं हम, लाइकेंस क्या होते हैं, फंजाई प्लस एल्गी के सिम्बायोसिस को हम लाइकेंस बोलते हैं। माइकोराइजा, ठीक है, ये सब है माइकोराइजास, ये मेचुलिस्ट हैं। बेसिडोमाइकोटा में क्लब फंजाई आ जाती हैं, जाइकोमाइकोटा में ब्रेड मोल्स आ जाते हैं, कैट्राइडोमाइकोटा में कैट्राइड्स आ जाती हैं, एम फंजाई में माइकोराइजास आ जाते हैं, एस्कोमाइकोटा में सैक फंजाई आ जाती हैं, लाइकेंस में सिम्बायोसिस आ जाती, लाइकेन सिम्बायोसिस एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोसिस होते हैं। जाइकोमाइकोटा के अंदर अगर हम जाइकोमाइकोटा के अंदर देखो जो बात करें, ये स्पोरेंजिया है, ये स्टोलन है, ये राइजोड है, ठीक है, ये स्पोरेंजियोफोर हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्टॉक लाइफ स्ट्रक्चर के अंदर स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं, ठीक है। जाइकोमाइकोटा की बात करें अगर, कॉल दिस स्पोरेंजियम फंजाई, ठीक है, जाइकोमाइकोटा जो होते हैं स्पोरेंजियम फंजाई कहलाते हैं, कॉमनली कॉल्ड मोल्स, इनको मोल्स भी बोलते हैं। ऑल्सो इंक्लूड ब्लाइट्स, ये देखो ये ब्लाइट दिख रहे हैं, टोमेटो ब्लाइट, ऑल्सो इंक्लूड ब्लाइट्स, ठीक है। हाइफी हैव नो क्रॉस वॉल्स, हाइफी के इसके अंदर जाइकोमाइकोटा के अंदर हाइफी के अंदर किसी भी तरह के क्रॉस वॉल्स एसेप्टेट होते हैं ये, ठीक है, क्रॉस वॉल्स नहीं होते हैं। कैसे होते हैं ये, जैसे ये हाइफी है, ठीक है, देखो जैसे मैं बताती हूँ, ये हाइफी है और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, किसी भी तरीके की कोई भी क्रॉस वॉल्स नहीं है, ठीक है। किसके अंदर होता है ये, जाइकोमाइकोटा, मतलब कि इस तरीके से क्रॉस वॉल्स नहीं होती हैं इसके अंदर, ये नहीं होती हैं, ठीक है, एसेप्टेट होते हैं। ग्रो रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, इंक्लूड्स ब्रेड मोल्ड, राइजोपस स्टोलोनीफायर, ये ब्रेड मोल्ड का नाम है राइजोपस स्टोलोनीफायर, ठीक है। जाइकोमाइकोटा में क्या आ जाता है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल स्पोरेंजिया, ठीक है, स्पोरेंजिया स्पोर्स में स्पोर्स, स्पोरेंजिया स्पोर्स जो होते हैं वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। राइजोड्स एंकर द मोल्ड एंड रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम एंड एब्जॉर्ब फूड, स्टोलन कनेक्ट द फ्लोटिंग बॉडीज, स्टोलन जो है फ्लोटिंग बॉडी से कनेक्ट रहती है, ये है जाइकोमाइकोटा। देखो सेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाई कॉन्जुगेशन, वेन प्लस हाइफी एंड माइनस हाइफी फ्यूज, ये प्लस
यहाँ पे देखो, मान लो ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस आईफी है, ठीक है, ये दोनों मिलके जो है फ्यूज़ आईफी का फॉर्मेशन कर लेंगी, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड ज़ाइगोस्पोर्स, जो सेक्सुअल के स्पोर्स होते हैं वो ज़ाइगोस्पोर्स कहलाते हैं। ज़ाइगोस्पोर्स कैन एंड्योर हार्श एनवायरनमेंट अंटिल कंडीशन इम्प्रूव, ठीक है, जब तक कंडीशन इम्प्रूव नहीं होती हैं, हार्श कंडीशन में ही अपने आप को सर्वाइव करते हैं ज़ाइगोस्पोर। ये रेस में ज़ाइगोस्पोर हो रहे हैं। बैसिडियोमाइकोटा है, देखो ये इसके सरफेस के ऊपर जो है वाइट वाइट जो ये फंगस दिख रहे हैं, ये सब बैसिडियोमाइकोटा के अंदर आते हैं। इनको क्लब फंजाए बोलते हैं। ये इंक्लूड करते हैं मशरूम, टोड स्टूल्स, ठीक है, ये टोड स्टूल्स हो गए, ब्रैकेट एंड शेल फंजाई, ये ब्रैकेट एंड शेल फंजाई हो गए, पफ बॉल्स आएंगे अभी, देखो ये पफ बॉल्स हुए, ठीक है। इस तरीके से ये स्टिंग हॉर्न हो, ये स्टिंग हॉर्न आ गए, ठीक है। रस्ट एंड स्मर्ट्स, ये रस्ट एंड स्मर्ट्स हैं, ठीक है। यूजेस फॉर बैसिडियोमाइकोटा, बैसिडियोमाइकोटा के क्या यूजेस हैं। सम आर यूज्ड एज फूड, जैसे मशरूम्स, ये रहा। मैंने पिक्चर्स भी साथ साथ में ही लगाई हैं स्टेप्स के स्टेप, ताकि आप सिंक्रोनाइज कर सकें और इजीली समझ सकें। आगे हैं, ये है पॉटबेलो मशरूम्स, जिसको खा सकते हो आप, ठीक है। अदर डैमेज क्रॉप रस्ट एंड स्मर्ट्स, इसमें होते हैं बैसिडियो, ये देखो, ठीक है। कॉर्न स्मार्ट है ये मक्के का, ठीक है। सोयाबीन रस्ट है। क्लब फंजाई के अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो सेल्डम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ठीक है। दी विजिबल मशरूम इज ए फ्रूटिंग बॉडी, जो मशरूम विजिबल होता है वो फ्रूटिंग बॉडी होती है। बैसिडियो कार्प यानी कि फ्रूटिंग बॉडी इज मेड अप ऑफ स्टॉक कॉल्ड स्ट्राइप एंड फ्लैटेंड कैप विद गिल्स कॉल्ड बैसिडिया अंडर नेथ, ठीक है। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे तो स्टाइप बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे तो स्टाइप बोलते हैं, ठीक है। और इस तरीके से फ्लैटेंड कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होते हैं गिल्स होती हैं, उसको बैसिडिया बोलते हैं, यानी उसे बैसिडिया बोलते हैं, ठीक है। बैसिडियो स्पोर्स आर फाउंड ऑन बैसिडिया, बैसिडियो जो ये वाला कैप लाइक पार्ट जो अभी मैंने आपको बताया था, स्टॉक लाइन इसके स्ट्राइप के ऊपर कैप विद गिल्स बताई थी मैंने, उसमें आप क्या देखोगे बैसिडियो स्पोर्स जो हैं बैसिडिया के अंदर होते हैं, यानी कि ये है इसके अंदर बैसिडियो स्पोर्स प्रजेंट होते हैं, इस तरीके से ये स्ट्राइप हो गई, ठीक है। नेक्स्ट होता है एन्युलस इज ए स्कर्ट लाइक रिंग अराउंड सम स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स के अराउंड स्कर्ट जैसा जब पहन जाता है उसको एनुलस बोलते हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स फाउंड बिलो ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर दिखता है इसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं, ठीक है। ये देखो आप मशरूम की ये लाइफ साइकिल दे रखी है, ये आपके उसमें नहीं है सिलेबस में, बट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो n 2n n प्लस n, यानी कि n और n प्लस n मिलके 2n का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो ये है यंग बैसिडिया दैट ओनली डिप्लॉयड सेल, ये है डिप्लॉयड सेल यंग। माइसीलियम एंड फ्रूटिंग बॉडी आर डाइकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करें हैप्लॉयड माइसीलियम, हैप्लॉयड माइसीलियम जो है ये रहा, ठीक है, वो फ्यूजन ऑफ हैप्लॉयड माइसीलियम बिकम डाइकैरियोटिक, ठीक है। डाइकैरियोटिक बन के न्यूक्लियर फ्यूजन इन बैसिडियम, न्यूक्लियर फ्यूजन इन बैसिडियम में हो जाता है, और उसके बाद मियोसिस होके किसका दोबारा से हैप्लॉयड माइसीलियम का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से ये मशरूम लाइफ साइकिल होती है। एस्कोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा के अंदर उसके कैरेक्टर्स के ये
फंजाई कहलाते हैं इसको, ये कैफ फंजाई, मोरेल्स, ट्रफेल्स, ईस्ट एंड मिल्ड्यू इनके अंदर होते हैं। ठीक है, मे बी प्लांट पैरासाइट्स जैसे डच एल्म डिसीज एंड चेस्टनट ब्लाइट, ये सब इसके प्लांट पैरासाइट्स हैं। रिप्रोड्यूस सेक्शुअली और एसेक्शुअली दोनों। एस्कस जो होते हैं सेक दैट मेक एस्कोस्पोर्स एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। स्पेशलाइज्ड हाइफी नोन एज एस्कोकार्प कंटेन दी एस्की। ईस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्शुअली बाय बडिंग, बर्ड्स ब्रेक ऑफ टू मेक मोर ईस्ट्स। ठीक है, एसेक्शुअल स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया फॉर्म ऑन द टिप्स ऑफ स्पेशल हाइफी कॉल्ड कोनिडियो फोर्स। कोनिडियो फोर्स के से एसेक्शुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये रे कोनिडिया, ये यहाँ पे कोनिडिया फोर होते हैं, कोनिडियो का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखो, ये रहा इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट बडिंग सार्कोमाइसिस। ठीक है, यूजेस ऑफ एस्कोमाइसिटीज, ट्रफल्स एंड मोरल्स आर गुड एग्जांपल ऑफ एडिबल एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, ये एडिबल एस्कोमाइसिटीज होते हैं। पेनिसिलिन मोल्ड मेक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ठीक है, सम एस्कोमाइसिटीज आल्सो गिव फ्लेवर टू सर्टेन चीजेस। चीजेस के अंदर जो फ्लेवर होता है वो एस्कोमाइसिटीज की वजह से होता है। स्कैरोमाइसिस केरेवेसी जो है वो ईस्ट है, जो कि ब्रेड राइज करने में और फर्मेंट करने में, बियर और वाइन को करने में मदद करती है। कैट्राइडियोमाइकोटा कॉल्ड काइट्रेट्स प्रोड्यूस मोटाइल स्पोर्स, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाले स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है। मोस्टली सेप्रोब्स एंड पैरासाइट इन एक्वाटिक हैबिटेट्स, बायोडिग्रेड एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को दोबारा रिसाइकल कर लेती है। माइकोराइजा का फंगस एसोसिएटेड विद प्लांट रूट्स। ठीक है, म्यूचुअलिज्म मतलब फंगस न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर अपटेक फॉर प्लांट, प्लांट कार्बोहाइड्रेट फॉर फंगस। ये दोनों फंगस और प्लांट एक दूसरे के लिए म्यूचुअलिज्म का काम करते हैं। फंगस जो है न्यूट्रिएंट और वाटर अपटेक का काम करते हैं प्लांट के लिए, प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट का काम करता है फंगस के लिए। ठीक है, सेवरल काइंड्स ज़ाइकोमाइकोटा हैफी इन्वेड रूट सेल्स, एस्कोमाइकोटा एंड बैसिडियोमाइकोटा हैफी इन्वेड रूट बट डोंट पेनिट्रेट सेल्स। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकली। ठीक है, लाइकेंस, लाइकेंस आर द सिम्बायोसिस एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, म्यूचुअलिज्म बिटवीन फंगस एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। फॉर्म ए थैलस फोलियोस फ्रेटिकोस क्रस्टोस, ये बहुत थैलस पार्ट हैं इसके। लाइकेन स्ट्रक्चर देखो, लाइकेन इस तरीके से दिखता है। ठीक है, लाइकेन एज बायोमोनिटर, थैली एक्ट लाइक स्पॉन्जेस, सम स्पीसीज मोर सेंसिटिव देन अदर टू पोल्यूटेंट्स, विच स्पीसीज आर प्रेजेंट कैन इंडिकेट एयर क्वालिटी, मोस्ट रेजिस्टेंट स्पीसीज कैन ऑल्सो बी एनालाइज्ड फॉर पोल्यूटेंट, पोल्यूशन कॉज करती हैं ये। तो इसी के साथ हमने किंगडम फंजाई को कंप्लीट किया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।